हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करेंगे, है ना। जैसे कि पहली बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है ना। ऑब्जेक्ट दिखने के लिए जरूरी यह है कि ऑब्जेक्ट से कोई लाइट निकले और हमारी आंख तक पहुंचे। अगर उस लाइट को हमने कहीं भी बीच में रोक लिया तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है ना। जैसे सामने ऑब्जेक्ट रखा हो और ऑब्जेक्ट और हमारी आँख के बीच में जब हम लोग हाथ लगा देते हैं ऐसे, या कोई पर्दा लगा देते हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता क्योंकि वो आने वाली लाइट को रोक लेता है। ठीक। अब ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो दो तरीके से निकलता है। पहला तो ऐसे निकलता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही लाइट का सोर्स है, जैसे कोई कैंडल हो गया, सन हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ये खुद लाइट के सोर्स हैं। तो वहाँ से लाइट निकलता है, हमारी आँख के पास आता है, तो हमें वो बल्ब, वो सन जो है वो दिखता है या कैंडल दिखता है ना। और दूसरे तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट के सोर्स नहीं होते, उन पर लाइट कहीं से आता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख तक आता है ना। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मून। मून पर जो लाइट आता है वो सन से आता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख तक आता है, तो जो है मून दिखता है। ठीक। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर सन को कोई भी लाइट का सोर्स छोड़ दीजिए, सन, बल्ब, कैंडल, है ना, ये छोड़ दीजिए, तो हमारे रूम में या आसपास जो है सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे केवल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। जैसे अपने रूम में रखा हुआ चेयर है, टेबल है, या हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक कैसे दिखता है ना। रूम में हम लोग क्या करते हैं, टेबल लैंप जलाते हैं, तो टेबल लैंप से लाइट जो है वो बुक पर जाता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख तक आता है, तब तो हमें वो बुक दिखता है, उसमें लिखी हुई बातें जो हमें दिखती है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके से दिखता है, वो खुद लाइट का सोर्स हो या कहीं से लाइट आ करके उससे रिफ्लेक्ट हो तो हमें दिखता है। इस लाइट को भी कहीं आप रोक लेंगे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है अगर उसको कहीं रोक लेते हैं तो भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। जैसे कोई हमने बल्ब जला रखा है, फिर किताब पढ़ रहे हैं, तो बल्ब से किताब पर आने वाली जो लाइट है उसको रोक लेंगे तो बुक जो है, जो किताब है, उस पर लाइट पड़ेगा नहीं तो हमें नहीं दिखेगा। या जो बल्ब है, बल्ब से लाइट किताब पर जा तो रहा है लेकिन वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख के पास आ रहा है उसको हमने रोक लिया, हमने आंख के सामने अपना हाथ लगा दिया, तो भी नहीं दिखेगा वो बुक जो है ना। तो जो लाइट आता है बल्ब से, वो बुक से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख तक आना जरूरी है। कहीं भी लाइट को रोक लेंगे तो वो बुक हमें नहीं दिखेगा, उसमें लिखी हुई बातें हमें नहीं दिखेंगी। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, ठीक है, और क्यों दिखता है। इसके बाद जो है हमें ये जानना होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कब दिखता है। ठीक। पहले जी तो ये जानेंगे कि इमेज बनता ही क्यों है। इमेज तब बनता है जब लाइट जो है अपने रास्ते से डेविएट होता है ना। जैसे लाइट कहीं से जा रहा हो किसी ऑब्जेक्ट से निकल करके और रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे कि मिरर आ गया हो, लेंस आ गया हो, या कोई दूसरा मीडियम आ गया हो, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाता है। जैसे ही बेंड होता है तब वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं दिखेगा, है ना। अगर बेंड होने वाला लाइट हमारी आंख तक जाएगा तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर नहीं दिखेगा बल्कि केवल उसका इमेज दिखेगा, है ना। जैसे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, वो बेंड हुआ हुआ लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे यहाँ के पास पहुंचता है तो उस केस में क्या होता है कि जहां से लाइट आ रहा था वो हमें नहीं दिखेगा, हमें उसका इमेज दिखेगा। ठीक है। तो जो इमेज है वो तब दिखता है जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकले और किसी इंस्ट्रूमेंट पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर गिरे, जैसे कि मिरर हो गया या लेंस हो गया, है ना, या कोई दूसरा मीडियम का इंटरफेस आ गया, तो एक तरह से उसको इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, है ना।
तो वहां पर जब लाइट गिरेगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो डेविएट हो जाएगा, और जो डेविएटेड लाइट है हमारे यहाँ के पास जाएगा तब हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। ठीक है, तो पहला चीज में हमने सीखा कि इमेज क्यों बनता है। तो इमेज इसलिए बनता है जब लाइट जो है अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट अगर बेंड हो गया और बेंड होने वाला लाइट हमारे यहाँ तक आएगा तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसका इमेज दिखता है। ठीक है, तो मतलब कि इमेज तब बनता है और इसीलिए हमें दिखता है। तो इमेज दिखने के लिए क्या जरूरी है? इमेज दिखने के लिए जरूरी यह है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकले और रास्ते में कहीं डेविएट हो, है ना। तो डेविएट होने के लिए क्या जरूरी है? या तो मिरर आ जाए, या तो लेंस आ जाए, या कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, या कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तभी डेविएट होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकले और वो किसी इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट होने के बाद डेविएट हो जाए, जैसे मिरर पर इंसिडेंट हो और वहां से डेविएट हो जाए, डेविएट होने के बाद हमारे यहाँ तक आएगा। मिरर से डेविएट होना मतलब रिफ्लेक्ट होना, तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे यहाँ तक आएगा तब हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा मिरर में। ठीक है, इस लाइट को भी अगर कहीं भी आप रोक लेंगे, चाहे मिरर पर इंसिडेंट होने वाला लाइट को आप रोक लें पर्दा लगा करके या हाथ लगा करके, तो हमें ना इमेज दिखेगा ना ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रहा है या कहीं से भी डेविएट होकर के लाइट आ रहा है हमारे यहाँ तक, अगर उस लाइट को हमने कहीं भी रोक लिया तो वो इमेज भी हमें नहीं दिखेगा, है ना। तो उस लाइट को भी नहीं रोकना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए जरूरी था कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकले और हमारे यहां तक आए। इमेज दिखने के लिए जरूरी है कि जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से निकले, किसी इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट हो, फिर वहां से डेविएट होकर हमारे यहां तक आए। ठीक है, तब हमें इमेज दिखता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अप्लाई करके एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है कई बार आप पढ़े होंगे, है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें भी दिया रहता है, बोर्ड के जो है क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है ना। तो ये देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि अगर कोई आदमी है जिसका हाइट है h, तो वो मिनिमम कितने हाइट का प्लेन मिरर यूज करके अपना पूरा इमेज देख सकता है ना। h हाइट का कोई आदमी है, अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, मतलब सर से लेकर के पांव तक पूरा इमेज उस मिरर में, प्लेन मिरर में देखना चाहता है। ठीक है, मिरर को एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर लेगा अपने आप, है ना। तो मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए जिससे कि वो अपना इमेज देख सकता है, कंप्लीट इमेज देख सकता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। इसमें वो कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सीखे हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट कब दिखता है, कोई इमेज कब दिखता है और इमेज बनता कब है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मिरर बनाया है, आप देखेंगे ये एक मिरर है ना। मिरर मैंने काफी लंबा बना रखा है, इसमें हो सकता है मिरर हमें कुछ काटना पड़े। और ये जो येलो कलर से मैंने दिखाया है, ये कोई आदमी है जो अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, जिसमें ऊपर वाला जो ये बड़ा सा मैंने डॉट बनाया है ये उसका हेड है। ठीक है, अब कंप्लीट इमेज का मतलब उसको हेड दिखना चाहिए, और ये जो नीचे जो डॉट बनाया है यहाँ पर बीच में, ये उसके आईज हैं। ठीक, और सबसे नीचे जो डॉट बनाया है ये उसके लेग्स है। ठीक है, आदमी का टोटल हाइट मान लेते हैं एच है। तो पहले चीज हमें ध्यान रखना है कि इमेज उसको कब दिखेगा। जैसे अगर हेड का इमेज देखना हो तो हेड से कोई लाइट जाना चाहिए, मिरर पर इंसिडेंट होना चाहिए और फिर डेविएट होकर के यानी रिफ्लेक्ट होकर के आंख तक आना चाहिए, तो हेड का इमेज दिखेगा। कहाँ दिखेगा ये, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, है ना, ऐसे। तो हेड का जो इमेज है यहाँ पर बनेगा एच डैश। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हेड जो है एक तरह से रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस पर, इस मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में उतना ही राइट साइड में उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा।
ये हो गया। उसी तरह से अगर उस आदमी को अपने लेग का इमेज देखना है, लेग कहाँ पर है, यहाँ पर लेग का इमेज देखना है, तो क्या होना चाहिए, लेग से लाइट निकलना चाहिए, मिरर पर जा करके इंसिडेंट होगा और वहाँ से लाइट डेविएट होना चाहिए। डेविएट का मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो है आँख तक जाएगा तो इस लेग का इमेज दिखेगा। कहाँ दिखेगा उसको, जो लाइट रेज है वो कहाँ से आती हुई दिखेंगी, उसको दिखेंगी यहाँ से आती हुई, है ना, यहाँ से। तो ये लेग का इमेज हो गया एल एस, ठीक है। तो हमेशा हमें तो लगता है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चलता है, इसीलिए हमें क्या होगा, आईज को लगेगा कि ये जो लाइट आया है वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है, इसीलिए हमें हेड यहाँ पर दिखेगा। उसी तरह से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमें, यानी आईज को क्या लगेगा, कहाँ से आ रहा है, ये लाइट दिखेगा कि लगेगा कि इधर से आ रहा है, क्योंकि लाइट हमें तो सीधा आता हुआ दिखता है, इसलिए इमेज हमें यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये तो इस आदमी का कंप्लीट इमेज बन गया। ये अगर मैं कहूँ कि इस आदमी का हाइट जो है वो स्मॉल एज था, तो उसके इमेज का हाइट भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि प्लेन मिरर तो सेम साइज का इमेज बनाता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट एच डैश और ये है पॉइंट एल डैश, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, एक जो है ई एच डैश ये वाला, एक है ई एल डैश ये वाला, और एक है एच डैश एल डैश ये वाला, ठीक है। अब ई एच डैश जो ये वाला साइड है, इसका मीड पॉइंट इस मिरर के पास आएगा यहाँ पर। कैसे, हमें पता है कि मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनता है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर जो है इधर दोनों तरफ इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, ये आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि एम है, तो ई एम और एम एच डैश इक्वल आएंगे, मतलब पॉइंट एम जो है ई एच डैश साइड का बिल्कुल मीड पॉइंट आएगा। उसी तरह से अगर इस पॉइंट को जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ इसको मैं एन मान लूँ, तो ई एल डैश, ई एल डैश साइड का मीड पॉइंट जो है वो पॉइंट एन पर आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एम और एन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों को मिलाया जाए, ठीक है, तो ये जो मिरर बनेगा ये वाला, हमें इतने ही मिरर की जरूरत है कम से कम, इससे कम में जो है काम नहीं चलने वाला। अगर इसे छोटा कर देंगे तो लेग से जाने वाला लाइट, अगर सपोज मान लेते हैं मिरर मैं यहाँ तक कर दूँ, तो यहाँ से जाने वाला लाइट जो है वो आंख के पास नहीं जाएगा, कहीं इधर निकल जाएगा, इसलिए कम से कम जो है वो यहाँ तक तो मिरर रखना ही है, यहाँ तक भी रखना है। तो इसके ऊपर वाला मिरर हम लोग हटा सकते हैं, अगर हमें मिनिमम लेंथ का मिरर निकालना है तो फिर नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी हटा सकते हैं। तो मिनिमम लेंथ जो है वो ये हो गया, यानी हमें एम एन, जो एम एन मिरर का साइज है वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं एक थ्योरम होता है मैथमेटिक्स में, हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, वो थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और आधी होती है, ठीक है। तो ये दो साइड हैं ई एच डैश और ई एल डैश, इनके मिड पॉइंट्स हैं एम और एन, इनको मिलाने वाली लाइन यानी कि ये मिरर का लेंथ जो है वो तीसरा साइड क्या है, एक्चुअल में इमेज का हाइट है, तो तीसरा जो साइड है उसका आधा होना चाहिए, यानी ये हाइट जो है वो एच बाई टू होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी आदमी को किसी मिड प्लेन मिरर में अगर अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके हाइट का
आधे हाइट का जो मिरर है वो लेना पड़ेगा कम से कम में, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, ताकि ये आपको याद रहेगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ ए मैन ऑफ हाइट एच बाई हिमसेल्फ इज एच बाई टू, यानी आदमी का जो हाइट है उसके हाइट का जस्ट आधे लेंथ का जो है हमें मिरर लेना पड़ेगा, तभी जो है हम कंप्लीट इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है कई बार स्कूल में पूछा जाता है, आईटीजे में तो खैर नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे काम का था। कॉन्सेप्ट ये कि ऑब्जेक्ट कब दिखता है, इमेज कब बनता है और कब दिखता है, ये जो कॉन्सेप्ट थे ये हमारे काम के थे और इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है।